गोटाबाया राजपक्षे कौन है ये तो आप बेहतर तरीके से जान ही गए होंगे। अरे वही जो तिल तिल मरती अपनी देश की जनता को छोड़ अपनी जान बचाकर भाग निकले, वही श्रीलंका के राष्ट्रपति जिन्हें अपने देश की आवाम की रत्ती भर चिंता नहीं हुई, अपने और अपने परिवार का भागने का इंतजाम किया और इस जंजाल से निकलने में ही अपनी भलाई समझी, और उसके बाद जब इस्तीफा भी दिया तो ये कहकर कि उनकी श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं थी, वो तो महामारी थी जिसके वजह से देश के सामने भुखमरी के हालात बन गए। चलिए अपनी सफाई में खुद को तो गोटाबाया राजपक्षे ने इनोसेंट करार दे दिया, लेकिन एक और जो गलती वो जाते जाते चीन के फेवर में और अपने देश और भारत के खिलाफ कर गए, उसके जिम्मेदारी लेने से कैसे बचेंगे राजपक्षे, उस गद्दारी पर कैसे देश को जवाब देंगे, कैसे भारत की आंख से आंख मिला पाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि गोटाबाया ने काम ही ऐसा किया। दरअसल भारत के दबाव में आकर श्रीलंका ने चीन के जिस जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने से रोक दिया है, जो कि 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। दरअसल चीन के इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ही देश छोड़कर भागने से एक दिन पहले यानी कि 12 जुलाई को अनुमति दी थी। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय से ही चीन के इस जासूसी जहाज के आगमन के लिए मंजूरी दी गई थी, जबकि राजपक्षे जानते थे कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और उस पर भी चीन के कर्ज के बोझ तले दब दब कर उनके अपने देश की क्या हालत हो गई। लेकिन काश राजपक्षे को इस बात से फर्क पड़ता होता कि उनके देश की क्या हालत है। अगर फर्क पड़ता होता तो संकट के वक्त में अपने देश की जनता को यूं तिल तिल मरता हुआ छोड़कर यूं भागना खड़े हुए होते गोटाबाया राजपक्षे। 13 जुलाई को राजपक्षे के इस्तीफे की उम्मीद थी, लेकिन वो देश छोड़कर भाग गए। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब श्रीलंका संकट में था तो उस वक्त भी गोटाबाया राजपक्षे जाते जाते चीन को खुश करके जाना चाहते थे? श्रीलंका खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। भारत ने जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय मदद दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत संकट के समय में उनके देश के साथ खड़ा रहा है। लेकिन जब श्रीलंका के बंदरगाह में चीनी जासूसी जहाज के आने की मंजूरी मिली तो फिर भारत ने श्रीलंका को चेता दिया, आंतरिक सुरक्षा का हवाला दिया, जिस पर श्रीलंका ने कहा कि चीन का जहाज सिर्फ रिसर्च के लिए आ रहा है और 11 से 17 अगस्त तक एक सप्ताह ही रुकेगा। लेकिन जब भारत ने श्रीलंका से साफ कह दिया कि बात भले 6 दिन की हो लेकिन इससे उसकी चिंता खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जहाज एक जासूसी जहाज है। भारत ने श्रीलंका को चीन के इस जासूसी जहाज के मकसद से रूबरू कराया। भारत ने श्रीलंका को बताया कि इस जहाज के जरिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैटेलाइट और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करती है। हालांकि इसके बाद श्रीलंका ने चीन के इस जासूसी जहाज को रोक दिया, जिस पर चीन की तरफ से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट आने की भी बात कही गई। लेकिन श्रीलंका ने यहां भारत को प्राथमिकता दी है, भारत की बात को ऊपर रखा है और चीन के जहाज को रोक दिया है। लेकिन ये जो नया विवाद शुरू हुआ इसकी जड़ खोदने वाले गोटाबाया राजपक्षे ही हैं। न जाते जाते वो चीन को खुश करने की कोशिश करते और न भारत और श्रीलंका जहां अपने रिश्ते सुगम बनाने की कोशिशों में लगे हैं वहां चीनी जासूसी जहाज आकर माहौल खराब करने की कोशिश करता। ऐसे में श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को जब गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर मिली तो फिर उनकी सरकार की तरफ से चीनी दूतावास को भी बता दिया गया है कि जिस दौरान जहाज को इजाजत मिली तब श्रीलंका के हालात स्थिर नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस जहाज को भेजने के लिए जून में अनुरोध भेजा था। विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया डिवीजन ने बिना बातचीत के इजाजत दे दी थी। अब गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले उठाए गए इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे? भारत के साथ साथ श्रीलंका के इस हालत के लिए जिसका श्रेय चीन को भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए, उसके बाद भी राजपक्षे ने चीन को खुश करने के लिए जो उसके जासूसी जहाज को अनुमति दी श्रीलंका को बर्बाद करने का एक और मौका दिया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें जरूर बताएं।